सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल साथी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग यूट्यूब वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित, आप देख रहे हैं टेक्निकल साथी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया है, आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी 5 वेबसाइट बताने वाला हूँ जिन वेबसाइट के बारे में आपने कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों, आपने काफी ज्यादा वेबसाइट यूज की होगी आज के खास तक, जैसे शॉपिंग की वेबसाइट है, कॉमर्स वेबसाइट है, या क्लासिफाइड की वेबसाइट है, या आपने डिफरेंट डिफरेंट की कई अच्छी अच्छी वेबसाइट देखी होगी। बट आई कैन बैट, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि इस वीडियो में मैं जो वेबसाइट आपको बताने वाला हूँ, वैसी वेबसाइट आपने कभी नहीं देखी होगी। ये वेबसाइट आपको आश्चर्यचकित कर देगी। वेबसाइट अगर आप इन सबको देखें, इन वेबसाइट को देखेंगे अगर आप, तो ये वेबसाइट आपकी काफ़ी ज़्यादा डेली यूज में भी काम आ सकती है और काफ़ी ज़्यादा आपको काफ़ी इससे ज़्यादा इन्जॉयमेंट ले भी सकते हैं। आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं इन वेबसाइट्स के बारे में, और जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो देखेंगे कि आपकी ये 5 वेबसाइट कुछ ऐसी वेबसाइट है जो काफ़ी कूल वेबसाइट है, और ये जो एक्सपीरियंस होगा वेबसाइट का वो आपने पहले कभी नहीं लिया होगा। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और पूरी 5 वेबसाइट देखिए, उनके यूज़ भी देखिए कि कैसे अपन उस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपने लिस्ट में नंबर 1 पे जो वेबसाइट आती है उसका नाम है flightradar24.com। जब आप गूगल पे जाओगे, गूगल पे टाइप करोगे flightradar24, तब आपके पास सबसे ऊपर ही ऊपर लिंक आएगा flightradar24.com। ये बेसिकली ये वेबसाइट रियल टाइम फ्लाइट ट्रैकर वेबसाइट है। आप इसका एक एप्लीकेशन भी मौजूद है प्ले स्टोर पर, आप इसका एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसको ऑनलाइन भी देख सकते हैं। इस फ्लाइट रडार वेबसाइट में क्या है, बेसिकली ये फ्लाइट रडार 24 वेबसाइट जितनी भी फ्लाइट्स हैं इंडिया से रिलेटेड, इंडिया की कंट्रीज में या बाहर की कंट्रीज़ में जितनी भी फ्लाइट्स हैं, उन सब फ्लाइट्स का पूरा डेस्टिनेशन और उन सब की डिटेल्स बता देती है कि ये वाली फ़्लाइट किस कहाँ पे उड़ रही है और इसका डेस्टिनेशन कहाँ है, इसको कहाँ पहुँचना है। तो आप देख सकते हैं कई सारे यहाँ पे येलो कलर के प्लेन के आइकन देख सकते हैं आप। इन आइकन्स में आप किसी भी एक आइकन्स पर क्लिक करके देख सकते हैं कि उसका जो स्टार्ट पॉइंट था वो क्या था और वहाँ पर ये वेबसाइट अभी कहाँ जाने वाली है। तो ये वेबसाइट आपको काफ़ी कूल लगने वाली है। आप इस वेबसाइट में जूमिंग एंड जूम आउट भी करके देख सकते हैं। यहाँ पे आप प्लेन के जो आइकन्स हैं उनको घटते बढ़ते हुए देखेंगे और इस वेबसाइट में आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छी वेबसाइट है और ये इस वेबसाइट में आप सारे प्लेन्स के ही पूरी डेस्टिनेशन वगैरह इसमें आराम से आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, अपने लिस्ट में सेकंड नंबर पे जो वेबसाइट आती है उसका नाम है एल्गोरिथमिया। जब आप एल्गोरिथमिया गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके पास सबसे ऊपर ऊपर नंबर 1 पे वेबसाइट आएगी कलराइज ब्लैक एंड वाइट फोटोज़। तो ये एल्गोरिथमिया एक टाइप का एक ऐसा टूल है इंटरनेट पे जो बेसिकली ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो को कलर फ़ोटो में चेंज कर देता है। तो आप देख सकते हैं जब आप इसमें जाओगे एल्गोरिथमिया में तो आप ऊपर ऊपर देख सकते हैं कलराइज फोटोज़, यूज़ डीप लर्निंग टू ऑटोमेटिकली कलराइज ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़। आप यहाँ पे खूब सारी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ देख सकते हैं, इनमें से कोई भी फ़ोटो चूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपनी कोई फ़ोटो अपलोड करके इसको चेक कर सकते हैं कि ये कैसे वर्क करती है। तो जब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद मैंने एक शिप की वेबसाइट शिप की एक इमेज ली है, उस शिप की इमेज को मैंने उसमें कलराइजिंग पे लगा दिया है। अब ये मुझे बता रहा है कि कलराइजिंग योर फोटो, यानी कि मेरी जो शिप की जो फ़ोटो है ब्लैक एंड वाइट की जो फ़ोटो है वो अभी कलर करना इसने स्टार्ट कर दिया है। तो मैं आपको स्टार्टिंग वाली भी इमेज बताऊंगा और जो फाइनल जो इमेज दी है इसने वो भी बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं इन दोनों इमेज में डिफरेंस देख लीजिए आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड कलराइज इमेज पे क्लिक कर दिया है। डाउनलोड कलराइज इमेज पे क्लिक करने के बाद इस इमेज को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप कोई सी भी ब्लैक एंड वाइट इमेज पे को इमेज को अपलोड कर सकते हो और उसको कलर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कोई शिप की ही या कोई एनिमल की ही फ़ोटो ले सकते हो, आप कोई भी लाइव पर्सन की फ़ोटो भी इसमें अपलोड कर सकते हो और लाइव पर्सन की फ़ोटोज़ को भी आप उसमें चेक कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं ये डिफरेंस है। ये जो पहले फ़ोटो थी ये शिप की वो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट थी। मैं आपको मेरे इसमें जाके बता देता हूँ कि जो मैंने पहली फ़ोटो जो ली थी मेरी वो कौन सी फ़ोटो थी और अभी कौन सी फ़ोटो। ये पहली वाली फ़ोटो थी विदाउट कलराइजिंग के और ये सेकेंड वाली फ़ोटो है विद कलराइजिंग की। तो दोस्तों, अपनी लिस्ट में थर्ड नंबर जो वेबसाइट आती है उसका नाम है नॉर्थस्कोप। आपको गूगल पर जाना है और नॉर्थस्कोप टाइप करना है। तो जब आप नॉर्थस्कोप टाइप करोगे तो ऊपर नंबर 1 पे वेबसाइट आएगी nordscope.com। ये वेबसाइट रियल टाइम हैकिंग अटैक्स बताती है। जब आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो आपको लाइव अटैक्स पे क्लिक करना है। तो जब आप लाइव अटैक्स पे क्लिक करेंगे तो आप ऊपर URL देख सकते हैं map.nordscope.com।
ये वेबसाइट पूरी कंट्रीज़ में जितने भी अटैक्स हो रहे हैं आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड में जितने हैकिंग के जो अटैक्स हो रहे हैं उन सबका डेटा रखती है, उनको उन सबका बायोडेटा रखती है। तो आप देख सकते हैं जब आप ऊपर ओपन करोगे इसको तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ये वहाँ से जा रहा है, ये वहाँ से। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली हैकिंग के अटैक्स हो रहे हैं जो डिफरेंट वेबसाइट पर अभी हो रहे हैं। जब आप इसको जूम करोगे तो आप इसके लाइव अटैक्स भी देख सकते हैं कि कौन से अटैकर ने किया है, कौन से आईपी एड्रेस के द्वारा किया है, कौन सी कंट्री इसमें टारगेट की गई है, कौन सा टाइप का हैक है और कौन सा उसका ओरिजिन है। तो ये भी काफ़ी एक अच्छी कूल वेबसाइट है, आप इसको ज़रूर चेक कीजिएगा। तो दोस्तों अपनी लिस्ट में चौथे नंबर पर जो वेबसाइट आती है उसका नाम है onlineclock.net। जब आप गूगल पर जाके ऑनलाइन क्लॉक टाइप करेंगे तो आपके पास नंबर वन पे लिंक आएगा ऑनलाइन अलार्म क्लॉक m.onlineclock.net, क्योंकि मैंने मोबाइल से ओपन किया हुआ है। तो ये वेबसाइट आप दोनों मोबाइल से भी यूज़ कर सकते हैं या पीसी से भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप ओपन करोगे इसको तो कुछ इस टाइप का कुछ आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये बेसिकली आपको अभी प्रेजेंट टाइम बताएगा। और इस वेबसाइट की खासियत ये है कि इस वेबसाइट में आप कोई सा भी एक अलार्म सेट कर सकते हैं। देख लीजिए, मान लीजिए कि जैसे आपको कोई काम करना है, आपको 6 बजे का कोई काम करना है और आपको याद रखना है उस चीज़ को कि हाँ मुझे 6 बजे का ये वाला काम करना है। तो अभी जैसे टाइम हो रहा है 5:55, तो यहाँ पे ऑफ का है अलार्म का, मेरे को यहाँ पे 6 का इसको सेलेक्ट कर देना है, यहाँ पे टाइमिंग सेट कर देना है, यहाँ पे सेकंड्स इसकी सेट कर देनी है और यहाँ पे पास में एक बटन है क्लिक टू सेट अलार्म। तो जब मैं इसको क्लिक टू सेट अलार्म पे क्लिक करूँगा तो बेसिकली क्या होगा कि जब भी 6 बजेंगे उस पर्टिकुलर टाइम पे ये अलार्म बजने लग जाएगा। तो ये वेबसाइट मोबाइल पर और पीसी पे दोनों पर वर्क करती है, टैब पे भी वर्क करती है, तो आप इसको किसी भी डिवाइस से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अपनी लिस्ट में पांचवें नंबर पे जो वेबसाइट आती है उसका नाम है गिफी। जब आप गिफी टाइप करेंगे गूगल पर तो आपके ऊपर सबसे पहला लिंक आएगा gipi.com। gipi.com इज़ बेसिकली अ GIF शेयरिंग इमेज। तो आप इस गिफी वेबसाइट में कोई से भी GIF शेयर कर सकते हैं। बहुत सारी कैटेगरीज हैं यहाँ पे, देखिए रिएक्शन कैटेगरी है, एंटरटेनमेंट है, स्पोर्ट्स है, SNL है, साउथ पार्क, NBA, बहुत सारी डिफरेंट GIF इमेजेस हैं। आप इन GIF इमेजेस को देख सकते हैं, इनको डाउनलोड कर सकते हैं सोशल मीडिया, जैसे आप इनको फेसबुक पे या लिंक्डइन पे या ट्विटर पे शेयर भी कर सकते हैं, पिंटरेस्ट पे अगर आप शेयर करना चाहते हैं या फेसबुक पे करना चाहते हैं, स्टम्बल अकाउंट पे करना चाहते हैं, तो आप इनको आराम से शेयर भी कर सकते हैं और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आ जाती है आपकी GIF इमेज की। आप यहाँ पर खुद की GIF इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं। ऊपर एक लेफ्ट पे आप एक आइकन देख सकते हैं अपलोड का, आप यहाँ पर खुद की एक GIF इमेज अपलोड भी कर सकते हैं और उसको क्रिएट भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सिंपली एक अच्छा सा छोटा सा वीडियो निकालना है, उसकी 3-4 इमेजेस सेट करनी है और आप खुद की एक GIF इमेज आराम से ईजिली क्रिएट कर सकते हैं इस वेबसाइट के थ्रू। तो इस वेबसाइट में भी आप काफ़ी ज़्यादा इमेजेस देख सकते हैं, पूरी वेबसाइट ही GIF इमेजेस से भरी हुई है। तो ये भी वेबसाइट आई थिंक काफ़ी ज़्यादा कूल वेबसाइट है और आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो दोस्तों ये थी अपनी कुछ पांच इंटरेस्टिंग वेबसाइट जो आई थिंक आप सभी लोगों को इंटरेस्टिंग लगी होगी और आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा ये वीडियो देखने में। तो अगर ये वीडियो देखने में मज़ा आया और आप ऐसी वीडियोज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल माई टेक्निकल साथी का जो चैनल है हमारा यूट्यूब है, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम इसी ही तरह के और अच्छे अच्छे वीडियोस इसमें पोस्ट करते रहते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें मज़ा आने वाला है। और आपको इन पांचों वेबसाइट में कोई वेबसाइट अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसकी कमेंट डाल सकते हैं, मैं कमेंट जरूर पढ़ूंगा और रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।